हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास कुकिंग डायरी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ओडिया स्पेशल डिश जिसे पोड़ा पीठा कहते हैं। तो बहुत ही आसान सिंपल स्टेप्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पोड़ा पीठा की रेसिपी, वो भी बिना मोल्ड के। आप इसे डायरेक्ट पैन पर ही बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो चलिए हमारे आज के इस पोड़ा पीठा की रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पोड़ा पीठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है ये उड़द की दाल। ये हमने एक गिलास उड़द की दाल लिया, इसे हमने 6 से 7 घंटों के लिए सोख करके रख लिया है पानी में। और उसी सेम ग्लास से आप मेजर कर लेंगे यहाँ पर 1.5 कप यहाँ पर चावल। सेम दोनों चीज़ों को हमने 6 से 7 घंटे के लिए सोख कर लिया था और इसे अच्छे से हमने वॉश कर लिया है और इसे अब हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर जो उड़द की दाल है इसे हम पहले पीस लेते हैं। ज़्यादा ड्राई पेस्ट भी नहीं बनाना है, हल्का सा पानी ऐड करके इस तरीके के कंसिस्टेंसी का आपको ये बैटर तैयार करना है। ये देखिए हमने पीस लिया है, ये जो दाल का जो बैटर है, जो दाल का जो पेस्ट है, ये देखिए इस तरीके से हमने पीस लिया है। तो हमने सारा दाल यहाँ पर पीस लिया है और अब हम वैसे ही चावल को भी पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसे पीस लें और इस तरीके का आपको मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो चावल और दाल दोनों को हमने पीस लिया है और दोनों के पेस्ट को हम साथ में मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसे मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए बैटर जो है वो थोड़ा सा फ्लफी हो गया है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए साइड में रख देते हैं, कम से कम 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट होने रखा था और ये देखिए जो बैटर है थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। इसमें अब हम डाल देते हैं आधे छोटे चम्मच के करीब ग्रेट किया हुआ अदरक, आधे छोटे चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, आधे छोटे चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। बैटर के अनुसार यहाँ पर आप स्वाद अनुसार नमक डाल लें। यहाँ पर मैंने कुछ छोटे पीसेस में कटे हुए नारियल लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर हम ले लेंगे गुड़ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ के जगह पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ की वजह से जो हमारा पोड़ा पीठा उसका जो कलर है वो थोड़ा अच्छा आता है। तो इसे अब हम साइड में रख लेते हैं, तब तक हम यहाँ पर हमारे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 1 कप गुड़, फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पर रखा और गुड़ को हल्का मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर गुड़ जो है ये मेल्ट होने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप बारीक छोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू, कुछ किशमिश लिया है मैंने और यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप ग्रेट किया हुआ नारियल। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई और ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कुछ छोटे पीसेस में कटे हुए नारियल डाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप छेना, ये घर पे ही फ्रेश बना हुआ छेना यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पर ही रखा हुआ है और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे आधे छोटे चम्मच के करीब इलायची पाउडर और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बस 1 मिनट के लिए और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ जो हमारा पोड़ा पीठा के लिए स्टफिंग है ये रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम साइड में रख लेते हैं, इसे ठंडा हो जाने देते हैं। और आपको जिसमें पोड़ा पीठा बनाना है, अगर आपके पास कोई मोल्ड है या फिर कोई टिन है जिसमें आप पोड़ा पीठा बनाते हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये नॉनस्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ, ये इसी में हम बनाएंगे हमारा पोड़ा पीठा। तो यहाँ पर आप पहले थोड़ा सा घी ले लें और अच्छे से ग्रीस करेंगे, अच्छे से आपको घी लगाना है चारों तरफ, ऊपर तक आपको अच्छे से घी लगाना है, ये आपके पोड़ा पीठा का मोल्ड का काम करेगा। इसे अच्छे से आप घी लगा लें और यहाँ पर जो हमने बैटर तैयार करके रखा था इसे एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अब आप इसे इस तरीके से एक लेयर यहाँ पर लगाएंगे। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, हम अभी बस बैटर को डाल रहे हैं, अच्छा सा एक हम लेयर दे देंगे और उसके बाद हमने जो स्टफिंग तैयार करी है वो डाल देंगे। पोड़ा पीठा खाते वक्त बीच में ये जो स्टफिंग आती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप अच्छा लेयर लगाएं स्टफिंग का भी। और उसके बाद ऊपर हम चावल और उड़द दाल का जो हमारा मिक्सचर था उससे आप इसे कवर कर दें अच्छे से और उसके बाद आप ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू और नारियल से इसे डेकोरेट किया है
अच्छे से आपको कवर कर देना है और आप गैस ऑन कर दें, फ्लेम को लो पर कर दें। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप घी ले लें और जो हमारा पैन है इसके साइड साइड्स पर आप डाल दें इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है। तो यहाँ पर गैस को ऑन कर देंगे और इसे अब हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर ही आपको इसे पकने देना है। तो यहाँ पर लगभग 40 से 50 मिनट होने को आए हैं और आप एक बार चेक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं गुड़ की वजह से कितना अच्छा हल्का हल्का सुनहरा कलर आया है। आप एक बार टूथपिक से यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर ये क्लीन बाहर निकलती है, मतलब जो हमारा पोड़ा पिठा है वो अच्छे से पक चुका है, वो रेडी हो चुका है, तब आप इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दें। उसके बाद आप इसे पैन से अलग कर लें, आसानी से ये निकल जाता है। एक प्लेट की हेल्प से उल्टा करके आप निकाल सकते हैं और इसे ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और ये देखने में कितना अच्छा दिख रहा है, कलर भी बहुत ही सुंदर आया है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना, इसका टेक्सचर आपको पता चल ही रहा होगा। तो ये हमारा टेस्टी उड़िया स्टाइल में पोड़ा पीठा बन करके तैयार है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, बहुत ही ईजी भी है, खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस पोड़ा पीठा की रेसिपी को। और आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और भी अच्छे रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल हिमास कुकिंग डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।